वहीं गरियाबंद जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन परिसर में विभिन्न प्रजातियों का वृक्षारोपण किया गया। इसके तहत ही वनों के संरक्षण संवर्धन हेतु DFO लक्ष्मण सिंह के द्वारा एक गोष्ठी कर परिचर्चा का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर DFO लक्ष्मण सिंह ने कहा कि एक माह में तेंदू पत्ता का 36 करोड़ रुपए ऑनलाइन आमजनों तक भुगतान पहुंचाया गया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चिरौंजी लाख पालन व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनों को 8 करोड़ भुगतान किया गया है और यह एक उल्लेखनीय बात रही है। जिले के आम जनों तक एक माह में इतनी राशि पहुंचाना एक रिकॉर्ड है। गरियाबंद से फारूक मेमन की खास रिपोर्ट। प्रकृति में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं उसमें जो हमारी जिम्मेदारी है उस नैतिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैंने अपनी पूरी टीम को आज प्रेरित किया है, उनमें उत्साह भरने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से उसका परिणाम बहुत सुखद रहेगा। इस जिम्मेदारी को मैं भलीभांति महसूस कर रहा हूं और हर कदम उठाए जाएंगे। ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं अपन कि सही समय पर पानी दे, गरियाबंद जिले में पर्याप्त पानी बरसे, परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। देखिए वृक्षारोपण के टारगेट बहुत कम है लेकिन उसके बावजूद हम इतने वृक्ष लगाएंगे जो कि शायद गरियाबंद के जिले में कभी ऐसा संभव नहीं हुआ होगा। लघु वन उपज संग्रहण का ये एकदम बिल्कुल सही समय था। चिरौंजी का संग्रहण हुआ, शहद का संग्रहण हुआ, तेंदूपत्ता में तो हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया और जनता तक इतनी बड़ी राशि बहुत कम समय में पहुंचाने में हम सफल हुए। मेरी टीम का पूरा श्रेय उनको जाता है। मैंने उनके अंदर उत्साह भरा, उन्हें सही दिशा दिया, सही मार्गदर्शन दिया, उसका परिणाम है।